पशुपालन कार्यालय के कैंपस में सभी पदाधिकारी एवं सभी कार्यकर्ता एवं टैगिंग कार्यकर्ताओं के साथ जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर विद्यासागर एवं पशु चिकित्सक पदाधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसमें जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर विद्यासागर ने बताया कि केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम 2021 से 2022 फेज 3 के सफल संचालन हेतु सभी AI वर्कर एवं टैगिंग कार्यकर्ता के साथ बैठक रखी गई, जिसमें सभी को निर्देश दिया गया कि AI के कामों में ज्यादा से ज्यादा प्रगति लाने और सभी को टैगिंग करने का आदेश दिया गया। साथ ही सभी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता एवं टैगिंग कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत बकरा विकास योजना, सुक्कर विकास योजना, बत्तख चूजा विकास योजना, गौ विकास योजना आदि के बारे में बताकर प्रचार प्रसार करने का आदेश दिया, ताकि योजना को सफल बनाया जा सके। इस बैठक में गमन शिल्पा सच चिकित्सक पदाधिकारी फतेहपुर डॉक्टर रवि ज्ञान सुमन, जिला पशुपालन विभाग के लिपिक सुनील प्रसाद, आनंद कुमार, नंदन कुमार सिंह, सभी AI वर्कर जिसमें विकी कुमार, प्रमोद कुमार, कृष्णा कुमार, अतनु कुमार, आयुब अंसारी, रूपलाल हेब्रम आदि लोग उपस्थित थे। आज दिनांक 4/9/2021 को जिला पशुपालन कार्यालय में हमने राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के तहत सभी AI वर्कर कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं के साथ में एक बैठक की, जिसमें हमने 3000 जो नए सेंटर हैं AI सेंटर उनको है कि पंचायत भवन में शिफ्ट करना है, तो उससे संबंधित हमने समीक्षा किया आज बैठक में, और ये बात पता किया कि कौन कौन से बहुत कम जो है AI वर्कर ये शिफ्ट हुए हैं पंचायत भवन में। हमने फिर दोबारा चिट्ठी जो है सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को, संबंधित प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी को भी भेजा है, ताकि वो लोग पंचायत भवन में AI वर्कर्स में शिफ्ट कर जाए।